अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा कोकोमो 2। कोकोमो 2 का कॉन्सेप्ट क्या है, तभी सभी डिटेल्स आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो द डिटेल्स अबाउट द कोकोमो, सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो फर्स्टली कोकोमो 2 मॉडल ऑल्सो रिक्वायर्स साइजिंग इन्फॉर्मेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक कोकोमो मॉडल को और कोकोमो 81 को। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियोस हो जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग कोकोमो 2 मॉडल की बात करें तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या रिक्वायर होता है, वहाँ पर साइजिंग इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट साइज पॉइंट्स दैट कैन बी यूज। हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंट साइज पॉइंट्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्ट पॉइंट्स, फंक्शन पॉइंट्स एंड लाइन्स ऑफ सोर्स कोड। इसके अलावा एन ऑब्जेक्ट पॉइंट इज़ एन इनडायरेक्ट सॉफ्टवेयर मेजर, इट इज़ कम्प्यूटेड यूजिंग द नंबर ऑफ। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट पॉइंट को कैलकुलेट करने की बात करें तो वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए वी शुड हैव द नंबर ऑफ स्क्रीन्स, द नंबर ऑफ रिपोर्ट्स एंड द नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड द एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अलावा ईच ऑब्जेक्ट इज क्लासिफाइड इन टू ऑफ 3 कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स, यानी कि हर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्लासिफाई होता है 3 कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स में। और वो कौन कौन से लेवल्स हैं, सिंपल लेवल, मीडियम लेवल और डिफ़िकल्ट लेवल। अगर हम लोग यहाँ पर टेबल को देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वेटेज वैल्यूज़ हमारे पास सिंपल, मीडियम और डिफ़िकल्ट के अवेलेबल हैं। ऑब्जेक्ट टाइप हमारे पास हो सकता है या तो स्क्रीन या फिर रिपोर्ट। और अगर हमारे पास स्क्रीन सिंपल मोड में है तो उसकी वैल्यू होगी 1, स्क्रीन अगर डिफ़िकल्ट मोड में है तो उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 3। इसी तरह से अगर रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट अगर सिंपल मोड में है तो उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 2, अगर रिपोर्ट मीडियम लेवल में है तो उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 5, और रिपोर्ट अगर हमारे पास डिफ़िकल्ट मोड में है तो उसकी वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पर 8। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है न्यू ऑब्जेक्ट पॉइंट का, जिसको हम NOP भी कहते हैं। NOP कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास। NOP इज़ इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट पॉइंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं हम ऑब्जेक्ट पॉइंट्स को किसके साथ, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ रीयूज डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला है। और इसके अलावा यहाँ पर हम एफर्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, NOP डिवाइडेड बाय द प्रोडक्टिविटी रेट। यहाँ पर NOP जब हम लोग कैलकुलेट इस फॉर्मूले से करेंगे तो उसको हम यहाँ पर पुट करते हैं एफर्ट को कैलकुलेट करने के लिए, फाइन। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी रेट हमारे पास कहाँ से आता है, तो उसका भी हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर अगर डेवलपर एक्सपीरियंस कैपेबिलिटी हमारे पास वेरी लो है, मीन्स VL, वेरी लो, लो, L, नॉमिनल, हाई, वेरी हाई, VH, ठीक है। अगर वेरी लो वैल्यू है तो वहाँ पर हमारे पास प्रोडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, 4। इसी तरह से अगर हमारे पास डेवलपर एक्सपीरियंस कैपेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास लो है तो वहाँ पर हमारे पास प्रोडक्टिविटी की वैल्यू होगी 7। नॉमिनल वैल्यू है तो नॉमिनल के साथ हमारे पास प्रोडक्टिविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी 13। हाई के साथ वैल्यू रहेगी हमारे पास प्रोडक्टिविटी की 25 और वेरी हाई की वैल्यू रहेगी 50। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्टिविटी रेट को लेते हुए एफर्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एफर्ट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, NOP और प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी तो हमें यहाँ से मिल जाएगी कि हमें बताया जाएगा कि वैल्यू लो है तो हम 7 ले लेंगे, हाई है तो 25 ले लेंगे। और NOP को कैलकुलेट करेंगे हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, ऑब्जेक्ट पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ रीयूज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था कोकोमो 2 का। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।